Hello friends, welcome to my YouTube channel, Trendonomics by Heuristics. So, a big red day, big red candle in Nifty, Bank Nifty. How was the day for you? Pulse, it was wonderful, definitely. Because we had a couple of short positions, we already mentioned yesterday. So, a great day for us. I hope it was good, or at least not bad for you. If you are following this channel, definitely it was not, because we already alerted caution right from 17,600. So let's discuss what next on weekly. Abhi weekly closing aaya hai, to kya hoga aage? Wo discuss karenge Nifty Bank Nifty next week ka outlook. Aage thoda jaake kya hota hai? So tune in, watch the land. Because ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड डेफिनेटली इफ यू हैव स्टिल हैवंट सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉलो करो ट्विटर पे, जहाँ पे मैं लाइव मार्केट पे अपडेट देता हूँ. ऑन ट्राइब यू कैन डेफिनेटली वॉच माय ट्रेड्स. अभी इतना एक्टिव हुआ नहीं है तो कॉस्मोफीड में मैं देते रहता हूँ और ट्विटर पे शेयर करता हूँ मेरे ट्रेड्स सब. सो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन सून Cosmopid already there. Tribe, you can join. And one more announcement. We have thanks for your wonderful response. Saturday ka jo kal ka webinar tha, wo to full ho gaya. And we are having few more bookings. So we shifted one more day. We are conducting for Sunday 2 to 5. So for that day, we still have some bookings open, because we shifted some of the students from Saturday batch to Sunday. So we have this. You can definitely still learn. You can learn how to trade in stock, futures, and options based on rule-based strategy. So join in. Let's discuss the market now. Okay, so a big red day in Nifty Bank Nifty. Across the counter selling witnessed today. Yes, and a big red day. So I hope you made some money. If you are following this channel, तो अगर आप short लेके गए थे तो शायद आपने पैसा बनाया है. तो कल तक देखो, कल तक हम लोग क्या बात कर रहे थे कि ये वीक में ये वीक इतना अच्छा नहीं रहा है. मंडे अच्छा था, बट ये जो तीन दिन थे उतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि प्रॉफिट आया गया. लेकिन आज के एक दिन में ये पूरे वीक का नहीं, हमारे पूरे मंथ का सिनेरियो पूरा चेंज हो गया. यू वांट टू नो, आई विल शो यू. ऑन अ बिग रेड डे लाइक दिस, पूरा मंथ का सिनेरियो हमारा चेंज हुआ. तो कल तक हमारा प्रॉफिट था अराउंड 74,000 का प्रॉफिट था. हमने मेंशन भी किया था, यस 74,000 का प्रॉफिट था, 9% रिटर्न, 41% हिट रेशियो था कल तक का, एक एज ऑफ यस्टरडे. आज तक का प्रॉफिट अगर आप देखोगे आफ्टर दीस ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी, मेनली बिकॉज ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वी मेड गुड मनी. डेफिनेटली इतना बड़ा बिग रेड कैंडल आया है और थोड़ा कन्विक्शन था, पोजीशन भी था हमारा, तो आ गया बाय गॉड ग्रेस. सो फ्रॉम 74,000 यस्टरडे द प्रॉफिट टुडे इन जस्ट वन डे एंड दैट टू ओनली इन द मॉर्निंग शॉट अप. सी दिस इज द चार्ट ऑफ डेली प्रॉफिट एंड लॉस. सो इट कीप्स गोइंग लाइक अप डे डाउन डे अप डे डाउन डे. यस, it's never a like smooth journey in trading, but from yesterday our profit from 74,000 climbed up to 1,28,000. So almost around 50,000. Yes, around 50,000 in one day. And that gave us a 43% hit ratio, 13% return. Yes, so as of yesterday the return was 9%. And as of today, the return is 13.5%. So a good shoot up in just one day. The
सिनेरियो चेंज, तो आपके ट्रेडिंग जर्नी में भी ऐसे डेज आएंगे जहाँ पे एक डे होता है उसमें बहुत ज्यादा एक शूटअप आ जाता है आपके प्रॉफिट में। ऐसे वाले डेज आपके जर्नी में भी आएंगे अगर आपको सीखना है ट्रेडिंग। इफ यू फॉलो अ रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी डेफिनेटली योर प्रॉफिट विल शूट अप लाइक दिस। सो इवन यू कैन सी ओवर हियर द प्रॉफिट हैज शॉट अप, देन इट वाज अ डाउन डे, इट्स डाउन जर्नी, नीचे गया वापस ऊपर आया, नीचे गया ऊपर है। मार्केट हैड बीन वॉलेटाइल, यस लास्ट दो वीक में मार्केट वॉलेटाइल था, तो एंड वी आर ट्रेडिंग ऑप्शंस, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जब ट्रेंडिंग डे आता है ना, आज के जैसा ये जो ट्रेंडिंग डे आता है उसमें एक दिन में ही प्रॉफिट सीधा शूट अप हो जाता है। यस, तो टुडे इट्स ऑलमोस्ट शॉट अप, यस इन वन डे, इन वन फाइन डे द प्रॉफिट इज शॉट अप 50,000 अराउंड। So good day for us. I hope it was good for you too. At least not bad if you are following this channel. Yes. So weekly close kya aaya? Weekly close bearish aa gaya. So what happens next week? So next week. So abhi ye trend kya hai? Ye trend hai 2 weeks down. 2 weeks up, 2 weeks down, 2 weeks up, 2 weeks down होना चाहिए, तो next week में down ही होना चाहिए। But अभी अगर आप ये channel follow कर रहे हो तो आपको पता है कि wave count के हम लोग क्या सोच रहे हैं wave count के हिसाब से। So on wave count we are clear that this is the last leg of fall, at least अभी के लिए ये last leg है। We don't know कहाँ पे खत्म होगा, 16,800, 16,500 या थोड़ा नीचे 16,400, 300 जोन में कहाँ पे खत्म होगा वो अभी नहीं बोल सकते डेफिनेटली, बट जब खत्म होगा तब हम लोग जरूर बोल देंगे। वी ऑलवेज डू दैट, वी हैव ऑलवेज ऑलवेज गुड इन नोइंग व्हेन द ट्रेंड इज प्रोबेबली लाइकली एंडिंग। सो यहाँ पे भी हमने कॉशन दिया था, यस आप अगर फॉलो कर रहे हो चैनल को, हमने राइट फ्रॉम 18,600 यहाँ पे तो सीधा बोल दिया था कि बस बाजार गिरेगा, बहुत जोर से गिरेगा, बहुत कॉन्फिडेंटली बोला था यहाँ पे। यस ये लास्ट स्टेज है, यहाँ पे भी हमने एक बार बोला था कि नहीं मार्केट गिरना चाहिए यहाँ से, और मंडे को जब यहाँ पे मार्केट आया तब भी हमने मार्केट में यही मेंटेन किया था व्यू के मार्केट गिरना चाहिए क्योंकि बस सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। यू कैन सी दिस वाज द ट्वीट वी पोस्टेड फ्यू डेज बैक, और यहाँ पे था तभी मार्केट मंडे को वो कंफर्म हो गया। सो नाउ वी आर सेइंग कि अभी लास्ट लेग है, जेड लेग है, तो नीचे में आई डोंट नो कहाँ तक जाएगा। अगर पैनिक आना है ना तो पॉसिबल है कि 16,300 तक भी चला जाए, अगर नहीं पैनिक आना है तो पॉसिबल है कि 16,700-16,600 के पास एक बार खत्म हो जाएगा ये, और मे बी बॉटम बनाएगा नेक्स्ट वीक में, मंडे नहीं बनाएगा, आई डोंट थिंक सो मंडे को बनाएगा, मे बी इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक फ्यू डेज टू बॉटम आउट थोड़ा। अभी और FIIs जाएंगे छुट्टी पे तो ज्यादा सेलिंग प्रेशर आएगा नहीं, आई होप सो ज्यादा नहीं आएगा सेलिंग प्रेशर FIIs छुट्टी पे जाएंगे तो, पैनिक करके DII ने बेच देंगे तो आई डोंट नो, बट वी आर होपिंग नेक्स्ट वीक वी शुड बी बॉटमिंग आउट, ये जो पूरा करेक्शन है वो नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। फाइनली वी आर थिंकिंग ऑफ दैट, ओके करेक्शन खत्म हो जाएगा और मे बी जनवरी में रैली आएगा। आई एम नॉट सेइंग कि नया हाई आएगा, आई एम डेफिनेटली नॉट सेइंग दैट, बट एटलीस्ट ये करेक्शन नेक्स्ट वीक चांस है कि खत्म हो सकता है, जो भी लेवल है, सिर्फ 16,500 है, 16,400 शायद जाए, या फिर 16,700 को खत्म हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट वीक में ये खत्म हो जाएगा। इंट्राडे पे अगर हम लोग देखेंगे तो अभी एक्चुअली आई डोंट नो वेदर दिस इज अ बी वेव, बिकॉज
it should come as A, B, and C. So I don't know whether this is A and this is B, F. We are forming a C wave right now. This is 1, 2, and we are in third. Within A wave only. Within first A wave, we are in 1, 2, and 3. I don't know about that. Yeah, फिर डब्ल्यू एक्स कुछ अलग फॉर्मेशन होगा वो भी नहीं पता बिकॉज ये एक पार्ट इम्पल्स है बाद में ये तो डेफिनेटली करेक्टिव है. यहाँ पे भी हमने बोला था कि ये जो राइज है वो बस सेलिंग अपॉर्चुनिटी है. क्लियर, वी वेर वेरी मच क्लियर. यहाँ पे भी क्लियरली बोला था कि ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी है और कल भी बोला था कि भले क्लोजिंग थोड़ा ऊपर आया है इतना कन्विक्शन नहीं दे रहा लेकिन एक बार 17-20 तोड़ दे तो मार्केट नीचे ही जाएगा. सो आई डोंट नो वेदर एबीसी आई मीन वी आर गेटिंग क्लोज टू एंड ऑफ दिस ए बी एंड सी. क्या ये खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीक? इट्स लिटिल वेरी मच अर्ली टू से क्योंकि ये बेयर फ्लैग है. अभी अभी शायद ब्रेकडाउन आएगा मंडे को. अब आज थोड़ा बहुत आ गया. वीकली पे तो क्लोजिंग तो खराब है. सो वी वुड डेफिनेटली नॉट सजेस्ट टू बॉटम पिक. हाँ, अगर आप स्टॉक्स कुछ लेना चाह रहे हो तो बाय स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो अभी भी अच्छे खासे होल्ड कर रहे हैं, ऊपर होल्ड कर रहे हैं, सब मूविंग एवरेज के या फिर ब्रेकआउट दे रहे हैं, वो आप बाय कर सकते हैं क्योंकि जो ऊपर जा रहा है वो ऊपर जा ही सकता है. So, let's see next week क्या पैनिक आता है, पैनिक सेल ऑफ आता है या थोड़ा फुस हो जाता है, बेयर कार्यक्रम खत्म. बट आई थिंक नेक्स्ट वीक मे बी वी शुड बी बॉटमिंग आउट. वी डोंट नो वॉट लेवल. वील डेफिनेटली रिव्यू एंड देन कमेंट एंड देन आफ्टर दैट वी आर एक्सपेक्टिंग सम पुल बैक रैली. आई एम नॉट सेइंग दैट वी विल गो टू न्यू हाई. आई डेफिनेटली डोंट थिंक सो. बट एक पुल बैक रैली बजट के होप में आ सकता है ओवर द मंथ ऑफ जैन. दिस हैज बीन अवर व्यू. परसों भी हमने बताया था एंड देन डाउन. दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ. लेकिन ये आगे का नहीं सोचेंगे, ये भी नहीं सोचेंगे कि ऊपर जाएगा कितना ऊपर जाएगा या फिर वापस नीचे जाएगा. वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस वेयर डू वी बॉटम आउट. 16,700, 16,500 16,300 which zone we will bottom out. वो एक बार देखना है हमें. अगर वो हो जाता है then good, then probably we'll look for a good bounce. Finally हम एक rally की सोचेंगे आगे जाके. जो हम लोग यहाँ से हमेशा bear 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 sell 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 बोल रहे हैं वो कहीं पे जाके शायद हम buy 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 भी बोल सकते हैं next week. That is very much likely. But definitely, we are not going to bottom fish. We are not going to be early. Intraday mein agar short opportunity milta hai, toh hum log wapas shorting opportunity le lenge. Abhi humara koi nahi hai trade. We are just happy with whatever we got today. Jo ek achha khasa aaj ek bump mila hai, seedha profit jump hua hai. We are happy and we are trying to protect our profits. ये था निफ्टी बैड क्लोज. बैंक निफ्टी अनदर बिग रेड डे और फ्लैग ब्रेकडाउन है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में नीचे कंटिन्यूएशन आएगा. और अगर वेव काउंट ये 1, 2, 3 मत देखो. आई थिंक इट्स एबीसी. कल हमने चेंज किया था ए बी एंड सी. ए बी एंड प्रोबेबली सी तो नीचे कहाँ तक जाएगा वी डोंट नो. बट बैंक्स आर वीक तो विल लुक फॉर सपोर्ट नियर 33,000 मे बी 34,000. क्या वहां पे सपोर्ट लेगा नॉट श्योर बट एक बार देख लेंगे क्या होता है बैंक निफ्टी में. आई एम जस्ट होपिंग कि ये एक्सटेंड ना हो और ज्यादा पैनिक क्योंकि पैनिक में तो कितना भी एक्सटेंड हो सकता है. आई डोंट नो. वी विल ट्रेड डाउन साइड. अगर डाउनसाइड दिखेगा तो हम लोग तो शॉर्ट करेंगे हम लोग लेवल्स और एक हाई रिवॉर्ड लो रिस्क वाले अपॉर्चुनिटी ढूंढते हम लोग. कोई भी लेवल पे शॉर्ट कर सकते हैं, कोई भी लेवल पे लॉन्ग भी कर सकते हैं हम लोग. सो इट्स वी हैड इवन बॉट एट 17,500
बिकॉज वी सॉ अ गुड अपॉर्चुनिटी, सो नीचे भी हम लोग बेच सकते हैं, कितना भी नीचे आए मार्केट, बस एक अपॉर्चुनिटी चाहिए. तो बैंक निफ्टी आई गेस क्लियरली मैंने बोला था ये एक बार फ्लैग ब्रेकडाउन हो जाएगा तो नीचे का लेवल देखा जा सकता है, सो दैट इज देयर. सो अभी देखते हैं मंडे को क्या पुल बैक थोड़ा यहाँ तक आता है 35,900 तक, 36,000 तक, एंड देन वी अगेन गो डाउन, दैट्स लाइकली मे बी. अगर नीचे ही खुलता है तो डिफिकल्ट है थोड़ा, बिकॉज अभी ओवरसोल्ड में और नीचे खुलेगा तो आई डोंट नो, आई मीन इवन वी कैन नॉट ट्रेड दैट. मेंटल ब्लॉक तो आएगा कि इतना ओवरसोल्ड है तो और नीचे वी कैन ट्रेड, बट एक रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए बस. थोड़ा पुल बैक आ जाएगा, थोड़ा आरएसआई ऊपर आ जाएगा, and if we get some good risk reward, we will trade. But अगर gap down ही खुलता है तो definitely it's not viable to add short on Monday. बिल्कुल मत add करो short gap down खुलता है तो, at least we won't, because risk reward बहुत skew हो जाएगा. और possible है जो लोग panic panic करके बेच रहे उनको trap करेगा market Monday को, और closing positive हो सकता है शायद. सो निफ्टी बैंक निफ्टी वीक है, अभी तक सेल ऑन राइज मोड में है, लेकिन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू लुक फॉर सम कहाँ पे जाके एक बार ट्रेंड खत्म होगा ये करेक्शन जो हम लोग ऑलमोस्ट 18,500 प्लस से बोल रहे करेक्शन आएगा आएगा. बट आई एम डेफिनेटली नॉट सेइंग के बॉस ये यहाँ पे करेक्शन जो भी जहां पे भी खत्म होगा 16,700, 500, 400 जो भी लेवल है, आई एम नॉट सेइंग यहाँ से कि सीधा ऊपर 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 नया हाई आएगा 18,600 के ऊपर 20,000 जाएगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा. मे बी एक पुल बैक के लिए, अभी के लिए मेरा यही बोल कि करेक्शन खत्म भी होगा तो भी पुल बैक ही आएगा, न्यू हाई आई डोंट सी. तो उसके बारे में बाद में देखते हैं यार. सो कीप वॉच नेक्स्ट वीक दिस ट्रेंड लाइन दिस जोन एंड लेट्स सी कहाँ पे बॉटम होता है. वी आर नॉट गोइंग टू डू बॉटम फिशिंग एंड वी डोंट सजेस्ट बॉटम फिशिंग बिकॉज डाउन ट्रेंड एक्सीलरेट होता है तो पैनिक सेल्स फास्टर, बेयर सेल्स फास्टर. So let market decide where it wants to bottom out. Yes, that's it from today's update. I hope you like the video, and if you want to make money consistently, yes, there will be big up days, some down days. Your down days should not be big. Down days should be always like you lose less when you are down, and you make a big money when you are up. Like we did it today, like we had a shoot up. Definitely, abhi itna market girega. Yes, we had almost a big red candle. Aaj ka candle dekho yaar, itna bada candle hai, to definitely return to aayega na. Itna bada aur humne to Nifty Bank Nifty dono short kiya. Conviction tha, setup tha. और आज मार्केट ने रिवर्ट कर दिया एंड वी क्लोज्ड. मेरा तो क्लियर था बस, मेरा टारगेट बैंक निफ्टी का 36,000 का पुट था, आई गेस 36 कौन सा पुट था, आई डोंट इवन रिमेंबर, लेट मी 36,500 का था आई थिंक. का मैंने टारगेट रखा था बैंक निफ्टी 36,000 का पुट था आई थिंक. लेट्स सी क्या था यार ट्रेड मेरा. सो या 36,000 का पुट था और मेरा 500 का मैंने टारगेट डाल के रखा था. ये देखो कल भी आपने वीडियो देखा रहेगा तो मैंने तो 500 का टारगेट डाल के रखा था. मॉर्निंग में भी मैंने वो 500 का टारगेट हिट हो गया मेरा, लकी ऊपर गया था उसके बाद में. ऐसे नहीं कि 500 कई टॉप मारे हम लोग तो ऐसे नहीं बोलते, बट मॉर्निंग में एक बार निकल दिए उसके बाद हमने ट्रेड किया ही नहीं बैंक में. यस सो अ बिग डे फॉर अस. निफ्टी का भी वी हैड अ गुड प्रॉफिट
17,200 का पुट था और वी हैड अ गुड क्वांटिटी, यस 5 लॉट्स लेके गए थे. सो वी हैव अ बिग डे टुडे एंड यू विल हैव बिग डेज. सी सो यू कैन सी अवर ट्रेड्स, वी आर लूजिंग ऑल्सो, सो बट वेन वी आर लूजिंग, सी द लॉस 2800 2500, यस JSW में लॉस कल हुआ था एक बार और आज प्रॉफिट हुआ तो कब कितना हुआ JSW में 2500, नॉट मच. बट टाटा स्टील में कितना हुआ, टाटा स्टील वी हैड अ गुड प्रॉफिट 5000, यस. एंड मोस्टली बिकॉज ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी, जहाँ पे अच्छा बम्पर प्रॉफिट मिल गया आज. सो वी हैव डाउन डेज ऑल्सो, यू कैन सी सी वी हैव डाउन डेज, दीज आर डाउन डेज, डाउन लॉस मेकिंग ट्रेड्स. बट वेन वी आर लूजिंग, वी आर नॉट लूजिंग मच. यहाँ पे एक बार हो गया था ज्यादा, that's fine, वो होता है कभी कभी. But we maintain our profits, we get out in small losses, and when we make money on days like this, we make big. So अगर आपको बनाना है ऐसा big consistently पैसा बनाना, ऐसे नहीं कि एक दिन में ही बहुत ज्यादा पैसा बने, no. So you can see on big days like today we have good money, and on other days we have fairly normal return, 5,000, 6,000, 2,000, yes 8,000, and we are losing 600, 1,800, 1,000, 1,400, yes. So we keep those losses small and make sure we big win big when we are winning, and that's the only holy grail. Yes. So agar seekhna hai to aa jao Sunday, saath mein seekhenge. Sunday hai webinar and we'll win, yes. We'll discuss stocks, futures, kaise trade karna hai. I will suggest options aap, kyunki hum log bhi mostly option mein hi karte hain, but yes, you need a good risk reward and strategy. तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे संडे को 19 December 2 to 5, and we increase slightly the price 299 from 199, but that's fine, yes. So आ जाओ संडे मिलते. That's it from today's update. If you like, definitely share and learn and earn together. This is R66 signing off. Until we meet again.